यार इधर आओ, वो देखो रमजान का चांद नजर आ गया। रमजान का रोजे आए, दिल झूम झूम जाए। रमजान का चांद मुबारक, अल्लाह तेरे को ढेर सारे खुशियां दे। और ये रमजान से अगले रमजान तक बहुत ज्यादा कामयाब कर दे, है ना। अल्लाह मेरे बच्चे को ढेर सारी खुशियां दे। आप सभी को चांद मुबारक। बोल बाबा, दुआ में याद रखना हमको। आपको सलामत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए मुझे। और अभी देखो हो गई है सुबह और हम कुछ कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या कर रहा है। आज का प्लान तो है कि अभी बना रहे हैं बढ़िया बोलते हैं इसको। ये देखिए दाल, मैं बैक कैमरे दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये जो है हमारा दाल मम्मी ने रात में भीगने के लिए डाल दिए थे बढ़िया के लिए। अभी इसके अंदर ये इसको पहले पीस लेंगे मम्मी, और फिर बाद में इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पीस करके, फिर इसको तोड़ेंगे बढ़िया में। और ये चने भी डाल दिए थे रात में भीगने के लिए, और चने भी अच्छे खासे भीग चुके हैं। अभी इसको सूखने के लिए डालेंगे और इसकी बनाएंगे दाल। और इसके भी बढ़िया ही तोड़ेंगे ना, इसके भी बढ़िया ही तोड़ेंगे, क्या करेंगे फिर मेरे ऊपर। असल में मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है चीज के बारे में, इसके लिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। कैसा है लेडीज लोग का अलग ही रहता, जैसे ही धूप का सीजन आ गया वैसे ही हर किसी के घर पे चालू हो जाता। कोई कुल्डई बनाता, कोई पपड़ बनाता, कोई खारोड़ी बनाता, कोई बढ़िया बनाता, धूप में बेचारे बनाते सब कुछ हम सब बच्चों के लिए, कि नहीं हमारे बच्चे खाएंगे साल भर खाएंगे, इसके लिए वो बनाते। लेकिन मेरे को नहीं इसके अंदर इतना मालूम आता है, इसके लिए थोड़ा अभी मतलब इग्नोर कीजिए इस बात को जो मैं गलती कर रही हूँ उसको, और घर में भी हंस रहे मेरे बात को, तो चलो कुछ नहीं होता है ना। तो अभी मम्मी पीस लेंगे वो, और आज हमको जाना है दाढ़ के दवाखाने में भी। तो ये मैं ब्लॉग जो बनाऊंगी इसके अंदर सिर्फ ये बनाने का बनाऊंगी, इंशाल्लाह दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी वो दाढ़ का बनाऊंगी स्पेशल, कि हम गए थे जो मतलब डेंटिस्ट के पास, मैं वो बनाऊंगी। तो चलो करते हैं हम हमारे काम के लिए शुरुआत। गाइस, बढ़िया का जो है हमारा तैयार हो गया है, और अभी डालने के टाइम में मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि ना मम्मी सामने वाले छत पे जा रहे हो उसको तोड़ने के लिए बढ़िया को, तो मैं नहीं जाने वाली थी, मैं नहीं दिखा सकती वो। और नीचे है चने, इसको भी सूखने के लिए डालेंगे ताकि इसको हमें दाल बनानी है। दाल बना के फिर ऐसे ही बढ़िया उसके भी हम तोड़ेंगे। तो ये देखिए इसका मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसा है, तो मैं तोड़ने के लिए नहीं जाने वाली उधर। अभी किचन में मैं बना रही हूँ क्या बोलते हैं उसको, चने की सब्जी बना रही हूँ, थोड़ी सी पपड़ी बना रही हूँ। इतने ही आटे की पपड़ी बनेगी, मतलब 10-1 पपड़ी बन जाएंगी इसके अंदर, और कुछ रोटी बनाऊंगी और खाने में आज क्या। और ये फली बन चुकी मेरी, गवार की फली बन गई। अब इसकी भी बनाऊंगी चने की सब्जी, इसकी 10-1 पपड़ी बनेगी इतने आटे की, तो इसकी पपड़ी और रोटी बनाऊंगी। अभी हम बैठे हैं खाना खाने के लिए, और अभी खाने में है गवार की फली बनाई थी मैंने, रोटी उसमें रख दी, गवार की फली बनाई थी, पपड़ी बनाई हुई है और रोटी बनाई थी मैंने। रोटी कम ही बनाई थी, मतलब पापा को 3 रोटी दी डब्बे में, और अभी 3 रोटी दस्तर में, और 3 रोटी पापा को दी, मतलब 6 रोटी बनाई थी, और कुछ पूड़िया है पापा को दिए हुए, और इसके अंदर ही गवार की फली भी मैंने डाली, और यह खट्टी चटनी है तो सब इसी में मैंने डाली है। इसका मैं इसको थोड़ा साइड में ही रखती हूँ मैं, क्योंकि वो ठंडा होगा। और ये है वटाने की सब्जी, और इसको ना मैं इस डब्बे में भरूंगी पप्पा के लिए, वटाने की सब्जी मतलब पप्पा का टिफिन पैक हो जाता। और ये ओवेस का देखो क्या काम चालू, ओवेस बैठे खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद में जाएंगे हम दांत के दवाखाने में, मतलब डेंटिस्ट के पास जाएंगे, और अम्मी को भी दवाखाने में बताना है। सो खाना खाने के बाद में हम जाएंगे, तो चलिए खाना खाने के लिए। राज इसकी और इसकी क्या झगड़ा चालू है पता नहीं, हमेशा उनका टॉम एंड जेरी जैसा चालू रहता, टॉम एंड जेरी कैसा एक दूसरे के साथ चालू रहता उनका झगड़ा।
अभी हम निकल रहे हैं मतलब हॉस्पिटल में जा रहे हैं। मैं और रानी जाएंगे और अम्मी और ओएस जाएंगे नानी के घर पे। तो अभी हमारी तैयारी पूरी हो गई है और वो ओएस उधर है, अनीस भी उधर है और अभी मतलब पूरी तैयारी हो गई है। बस मैं अबाया पहनूंगी और अभी हम निकल जाएंगे घर से। देखिए गाइस अभी हम निकल गए अपने घर से। कितनी ज़्यादा तेज है। ओएस भी हमारे साथ में ही है। दिखाऊंगी नानी के घर पे जाके कि हमने कौन से कपड़े देने के लिए निकाले थे। कपड़े मैंने यहाँ पे लाके दी हूँ और मतलब कोई भी गरीब है उनको देने के लिए। बहुत पूरे अच्छे कपड़े है ये। सामान लेकर के आए थोड़ा सा ही, मतलब ओट्स लाए इसको, इसको केलॉक्स लाए और बिस्किट्स लाए और एक वो लाए पॉपकॉर्न लाए और अनिस ने समोसे लिया। ओवेश खड़ा ओवेश के लिए हम गए थे। असल में ना मेरे को आसन नूडल्स लेने के थे, कच्चा मतलब आटा नूडल्स लेने के थे बनाने के लिए घर में, इसके लिए गए थे लेकिन नहीं मिले वहाँ पे। अपॉइंटमेंट 7 तारीख का। तो गए थे कि हमने बनाए हैं चाय और वो इसको मैं खिला रही हूँ चाय बिस्किट, क्योंकि उसके ट्यूशन का टाइम हो गया है। अभी 5:30 बज रहे, अभी सिर्फ आधा घंटा बाकी है, मतलब 6 बजे उसका ट्यूशन रहता है तो अभी 5:30 बज रहे, तो उसको भी चाय बिस्किट खिला कर फिर तैयारी करके उसको भेजना है। देखो कैसे डंडे के साथ में खेल रहा हूँ। दिखा डंडा, दिखा डंडा, दिखा ओवेस की चाय और बिस्किट। मैंने अम्मी के लिए काली चाय लाई थी जो कि अम्मी पी रहे हैं, तो वही नीचे गिरी हुई है काली चाय। देखो ना अम्मी, बोलो ना उसको, ये देखो अम्मी के हाथ में काली चाय। तो अम्मी काली चाय वो भी गुड़ की लगती है, अम्मी को शक्कर वाली चाय नहीं पीते अम्मी। देखो अम्मी डंडी डंडी डंडा, देखो अम्मी डंडा, देखो अम्मी देखो देखो गाइस। अम्मी और ओवेस निकाल रहे अभी बढ़िया, जो कि सूख गए। आपने सुखाना पड़ेंगे ना इसको, कि सुखाना पड़ेंगे और इसको और सुखाना पड़ेंगे। लेकिन आप प्लेट में भी डाल दे चल जाता ना, मतलब आपने गैलरी में भी सूख जाएंगे। हाँ प्लेट में भी डाल दे तो सूख जाएंगे वो, क्योंकि ना ऊपर बिल्ली भी है और पर्दे लगाए हुए तो ठीक है, चलो पर्दे लगाए हुए तो धूप आती, लेकिन बिल्ली ना पूरे खराब कर दी होती हो। इसके लिए हमने इसको सामने वालों के छत पे बनाने मतलब सूखने के लिए डाले थे। और ये ओवेस देखो कैसे निकाला, ओवेस इधर देख ले। मैं भी ले रही हूँ टैबलेट जो कि 3 है और दूसरा डोज लूंगी मैं रात में, अभी बज रहे 6 तो दूसरा डोज लूंगी मैं 10:30 रात में, तो मेरा 2 डोज हो जाता अभी का। मैं
हर किसी को गोली खाना इतना जान पे क्यों आता होगा फ्रेंड्स? किसी को जान पे आता गोली खाना, मतलब अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, गोली खाना अच्छी नहीं लगती, लेकिन मजबूरन खाना पड़ती क्योंकि ना मेरा बहुत खतरनाक दांत में दर्द है। देखो टेंशन आ रहा है, क्या टेंशन आ रहा? देखो देखिए फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ आलू गोभी मसाला और इधर मेरा सालन बन रहा है, बढ़िया का सालन बन रहा है। तो ये पानी डाल डाली इसके लिए वो पकनी डाली और इधर मैं डाल दी वो लहसुन जो कि वो पक रहा है। और सभी को चांद मुबारक फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे तरफ से चांद मुबारक, रमजान मुबारक, दुआ में याद रखना हमको। डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली सॉस, ये रानी इसको बना रही है। दूर भाग, भाग भाग उधर। देखो मैंने अभी इसमें डाल दिया हल्दी और इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। अब इसको पकने देंगे, हमारे इसको जाने का है नमाज को, क्योंकि यहाँ पे तरावी कितने बजे है? तरावी 8:30 8:30 बजे तरावी है। तो इसके लिए मैं पटापट अनीस को बना कर दे रही थी कि तीन पारा मतलब वो मस्जिद में तीन पारे हो रहे, तो वहाँ पे जा रहा हूँ तरावी पढ़ने के लिए, तो उसको थोड़ा टाइम हो जाएगा आने को। तो इसके लिए मैं उसको ओट्स बना के दे रही ताकि ओट्स खा कर जाए, तो मतलब खाना खाने पर अगर उसके बाद हम तरावी पढ़ते हैं तो थोड़ा परेशानी हो जाती, इसके लिए ना खाना तरावी के बाद ही पढ़ेंगे, लेकिन वो बहुत लेट आएंगे, इसके लिए उसको मैं ओट्स बना के दे रही। हाँ।